सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज मैं थोड़ा बोर फील कर रहा था तो मैं सोचा थोड़ा दोस्त के साथ जाऊंगा घूमने, बीच जाएंगे, थोड़ा घूम के आएंगे, तो इससे थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो चलो चलते हैं, थोड़ा घूमते फिरते आप लोगों को बताता हूँ पूरा दिन का सफर। कहाँ जा रहे भाभी? बच्ची का बॉल खरीदने। बच्ची के लिए छोटा सा तोहफा लेने जा रहे। और गाइस देखो, भाई नीचे खड़े इंतजार कर रहे और भाभी अभी तक रेडी हो रहे। शाबाश भाई, लाइक करो, फॉलो करो। फिर भाई भाभी निकल गए और आज बना था चिकन का सुक्का और चावल। मजा आया भाई और भाभी मस्त ठंडा ठंडा गोला खाए। पर भाई को हमारी भी याद आई गरीबों की। भाई ने मेरे को फोन लगाया गोला खाएगा, मैंने बोला अम्मी के लेके आ जाओ। नाइस। बच्ची का बॉल नहीं लाए? मेरे को नहीं मिला। अरे रे रे, चार बार मना किया कि मैं नहीं खाऊंगा, अब चार गुना स्पीड से खा रहा है। तुम्हारा गोला खराब कर रहा अम्मी, मुंह लगा दिया छी, लांटा पकड़ी उसके मुंह से। फिर मैं निकल गया घर से, नीचे बैठा था उतने में मोहसिन आ गया लेने। चलो हनीमून के लिए जाएगी। हनीमून एक जगह पे पैर रखने का, एक जगह पे पैर नहीं रखने का। ठीक। वाह मोदी जी वाह। हमारा कैमरा शाय पर्सन दिव्या जब भी ब्लॉग चालू कर रहा था ना, वो बाली सेट कर रहा था। समर वेकेशन में गाइस जो ये दिख रहा है ना, आजू बाजू रिसोर्ट है मेरे। यहाँ पे इतनी फैमिली लोग और इतने दोस्त लोग एंजॉय करने आते हैं ना, बहुत ही मजा आता है। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बीच के इधर, जल्दी वहाँ से हटो, थोड़ा यहाँ पे चिल मारेंगे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। हेलो बहन के लिए। बीच पे आए और मोहसिन भाई वीडियो ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या यहाँ आते ये छपड़ी बना करने के लिए है ना? हम लोग छपड़ी चे यहाँ पे। मोहसिन ना बहुत ट्राई कर रहा है साउंड बनाने का, पर यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं ना, तो उसका साउंड ही गायब हो जा रहा है। और ये रहा रोता हुआ मोहसिन। फिर मैंने अलविदा किया, बीच को बहुत ही अच्छा लगा, मजा आया। फिर मैंने देखा गाइस रोड पे के बंदे लोग को भर के टेम्पो में लेके जा रहे। ट्रैफिक के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। बोचे पूरे टाइट हो चुके हैं हमारे। इसको देख, ये तो फुली थक गया है। तो गाइस मैं अभी घर पे आ चुका हूँ और भाई ने मेरे को बोले कि मरियम को पापा को टकला करने का है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस, हाँ पहले तुम जमा ही ले लो बेटे। पहले ना अम्मी ने ना यहाँ पे ना कैची से ना इसको ना एक अलग शेप दे दिए थे। स्टाइल दिखाओ जरा मुंडा, यहाँ से पूरा कट कर देते, यहाँ पे कट कर देते, तो अभी पूरा इसको टकला कर देंगे। अब तुम टकले होने वाले टकली। मरियम को बीच में बिठा के मैं और भाई लेके चले गए सैलून में। हाँ ऐसे ही टकला होने का बेटा तुमका, ऐसे ही टकला होने का। हाँ बराबर। बस जब भी वस्त्रा फिराने का ट्राई कर रहे थे तो अपना सर ही घुमा रही थी मरियम। अपने फिरोज भाई बोल रहे थे क्या थोड़ा रुक के काटते, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाने दो उसको। लेकिन अपनी मरियम तो मरियम है भाई, बॉस है, कहीं भी सुकून से बैठ नहीं सकती वो। आधे घंटे रुकने के बाद फिर भी वो कटाने नहीं दे रही थी, तो मशीन से पहले काटे, उसके बाद वस्त्रा घुमाए, फिर हो गया। हम लोग निकल गए घर के लिए और सब लोग रिएक्शन देख रहे थे घर पे, और आप लोग भी देखो कैसी लग रही है वो। तो गाइस अभी हम लोग मरियम को टकला करके लेके आ चुके हैं, अब देखो वो कैसी दिखती है, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। Hey, come look at this. ये टकली की अनबॉक्सिंग। ए गजनी सर पे खाली खाली लग रहा है ना। सलाम करो। अव्वा दो। अव्वा एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। क्या
उसका वो टक टक कैसा लग रहा है आपको टकला होके कैसा लग रहा है को कैसा बना रही। आपको कैसी लग रही है मरियम ये जरूर बताना कमेंट में। और अभी हो चुका है मेरा खाना खाने का टाइम और अभी खाऊंगा खाना। रात के खाने में था इडली मेंदू वड़ा और चटनी एक नंबर थी, मजेदार मजा आ गया। सो गाइज अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे में ऑल ब्लॉग डरते रहूंगा। और थैंक यू सो मच, लव यू, बाय। इधर दिखा, इधर दिखा, कौन बनाया, कौन बनाया चटनी है? मैं। तुम बना, तुम बना, बहुत मस्त। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आवाज़ बोले तो कैसा सो गई।